देखिए, अगर आप 9वां में हैं या 10वां में हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि हम इस वीडियो में आज आपको बहुपद का भाग बताने जा रहे हैं। और 9वां में बहुत ऐसा चैप्टर है, 10वां में भी बहुपद के भाग का बहुत ज़्यादा काम है। और इस वीडियो में आप अगर शुरू से लेकर के एकदम ध्यान से अगर देखते हैं, शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं, तो आपको बहुपद का भाग आ जाएगा 100% आपको सीख जाना है, नहीं सीखने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। 100% आप बहुपद का भाग इस वीडियो को देख करके आप सीख जाइएगा। और बहुत ही आसान शब्द में, बहुत ही आसान, कोई ज़्यादा भारी नहीं, सीख ही जाना। अगर मरे भी रहिए ना तो सीख जाइएगा, कितना भी अगर आपका दिमाग कमज़ोर है, बहुत सारा वीडियो देख लिए, बहुत सारा सर आपको समझा दिए, लेकिन आपको बहुपद का भाग नहीं आया, तो इस वीडियो को आप देखिए, 100% आप सीख जाइएगा, निश्चित सीख जाना है, सीख जाना ही है, कोई दूसरा उपाय ही नहीं, बिना सीख ले इस वीडियो को, बिना सीख ले छोड़ना ही नहीं, यानी बशर्ते आपको लास्ट तक देखना हो और कंसंट्रेंट हो के, एकदम पूरा एकदम कंसंट्रेंट होकर के देखना होगा, एकदम दिमाग लगा करके। तो देखिए, बहुपद का भाग कुछ 2-3 स्टेप होते हैं, 9वां 10वां में बहुत ज़्यादा है इसका यूज, बहुपद का भाग आना चाहिए, नहीं तो 9वां 10वां में बहुत दिक्कत होता है, इसीलिए हम आपको ये वीडियो बताएं। आपको गणित का, आपको इस चैनल पे क्या करते हैं, हम गणित का हर विषय का डालते हैं, जैसा कि अगर आप बराबर देखते हुएगा वीडियो तो आपको हमेशा मिलता होगा। 2-3 दिन से हम वीडियो गणित का नहीं डाल रहे, बाकी तो और सब्जेक्ट का डाल रहे हैं, गणित का नहीं डाल रहे हैं। तो गणित का नहीं डालने का रीज़न यही है कि हम एक दिन बहुपद का गुणनखंड हम डाले थे और एक आज बहुपद का भाग, तो यही सब बनाने में थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए हम नहीं डाल पाते। अब ये बताने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, चैप्टर में आएंगे, बहुपद का भाग बनाते कैसे, आइए टॉपिक में। देखिए, इसमें हम कहाँ कितना सवाल लिखे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतना सवाल हम लिखे। इस सब ये भाग है, भाग बनाते कैसे, 2-3 स्टेप होते हैं भाग में करना, उसी स्टेप को आपको फॉलो करना है। हम जैसे जैसे आपको बताते हैं, बस ध्यान से आप देखते रहिए, ध्यान रखिए, नहीं समझने का कोई सवाल नहीं पैदा होता, 100% समझ आइएगा। होता कैसे, ध्यान से देखिए, बस अर्थ ध्यान से देखना होगा। चलिए, एक सवाल ये वाला बनाते हैं, भाग में करते क्या है, 2 बहुपद आपको दिया रहेगा, 1 बहुपद ये है, 1 बहुपद ये है, 2 बहुपद दिया रहेगा, उस दोनों बहुपद में 1 का घात अधिक होगा, 1 का घात कम होगा या समान घात होगा। जैसे इस बहुपद का घात देखिए 3 है, सबसे ज़्यादा, घात का मतलब पावर होता है, तो इस बहुपद का पावर 3 है, घात 3 है, और इसका घात 1 है। देखिए, जब घात कुछ नहीं रहता तो 1 रहता है, दिमाग में सेट कर लीजिए, जब पावर कुछ नहीं रहता है तो 1 पावर रहता है। तो या तो समान रहेगा घात, या तो कम बेस रहेगा, ज़्यादातर कम बेस घात रहता है, समान बहुत कम रहता है। तो हमेशा क्या करना है, कम घात वाले से अधिक घात वाले में भाग देते हैं, समझ गए। भाग मान लीजिए हम यहाँ पे लिखें y - 1 से y + 4 - 1 में भाग दे, तो यहाँ तो लिखा हुआ है, बात कह रहा है तो हम समझ जाएंगे, लेकिन अगर दे देगा सिर्फ भाग दे और 2 बहुपद दे देगा, मान लीजिए आपको दे देगा x³ + 4x + 2x + 2 और कहेगा भाग दे, तो आप कैसे जानिएगा, इससे इस माने ऐसे भाग में क्या होता है, ऐसे घेरते हैं आप, बीच में एगो पद लिखते हैं, एक पद यहाँ लिखते हैं, तो कैसे जानेंगे कि बीच में क्या लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे। तो हमेशा अधिक घात वाला बीच में होता है, ज़्यादा पावर वाला, और कम घात वाला इधर होता है, समझ गए। भाग किससे किस में देना है ये समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हम बनाते हैं भाग, बनाते कैसे, भाग कैसे बनता है सो देखिए, कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, 100% आपको समझ में आएगा। देखिए, हम पहला बनाते हैं, यानी हमको भाग देना है x + 2 से, किस में भाग देना है, x³ को x³ कहते हैं, +4x + इसमें भाग देना है,
इसमें भाग देना। ध्यान से देखिए भाग का नियम क्या होता है, ध्यान से देखिएगा समझ जाएगा, 100% समझिएगा। देखिए भाग समझा रहे हैं, भाग में क्या करते हैं, भाग में आप इसका पहला पद देखिए और इसका पहला पद देखिए, बस यही देखना है, इसका पहला पद, इसका पहला पद। आप भाग देते हैं दो से, अगर मान लीजिए इसमें भाग देना है आपको, तो दो से पहले नौए में ना लगाते हैं, दो चौका आठ, और उसके बाद एक शेष होता है यही वाला उतारते हैं। भाग में तो यही नियम होता है, इसमें भी वही काम करना है। इसका पहला पद ध्यान दीजिए, पहला पद जो है उस पर आप ध्यान दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए यहाँ इसका क्या है, एक है गुणांक, एक रहता है यहाँ पे, यहाँ भी एक है, तो अगर एक से एक में भाग दीजिए तो एक के मर्तबे होगा, एक के मर्तबे होगा। तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यानी कि अंक है ही नहीं, तो दिमाग लगाना छोड़ दीजिए। कैसे दीजिएगा, भाग में क्या करते हैं, पहला स्टेप आप समझ जाइए, इसका जो घात है पावर है और इसका जो पावर है, दोनों का पावर देख लिए, इसके पावर से इसका पावर घट जाता है, यानी x पर पावर 3 है, x पर पावर 1 है, तो x पर पावर घटा करके भाग में पावर घटता है, तो x पर पावर कितने बच गया, 2 बच गया। समझ गया बात को, बस इतना ही ध्यान रखना बउआ, और कुछ नहीं। भाग में आपको इसका जो पावर है, इसके पावर में से इसका पावर घटा देना है, इसके पावर में से इसका पावर घटा देना है। तो पावर 3 था, यहाँ एक से पावर 1 था, तो पावर घटा एक पावर 2 हो गया, बस इतना समझ गया। इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा कुछ समझना ही नहीं, भाग में कुछ नहीं समझना है, समझ गए। अब देखिए इतना उतार दिया, अब तो कुछ नहीं बचा, अब क्या करना, इसको जो यहाँ है ऊपर उसी को आप उतार दीजिए नीचे, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, इसको उतार दिए, उसके बाद देखिए इसका तो काम हो चुका था, अब इसको जो बचा हुआ पद है 2 को इससे गुणा कर दीजिए, माने प्लस 2 को गुणा किससे कर देना है, इससे कर देना है, एक्स स्क्वायर से गुणा कर देना। बात समझ गया, बस इतना समझ गया, हो जाएगा। इस प्लस 2 को इससे गुणा कर देना है, तो प्लस 2 को आप एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिएगा बउआ, तो 2 और एक्स स्क्वायर ई एक्स स्क्वायर होगा, तो क्या हुआ प्लस में ना, तो प्लस 2 एक्स स्क्वायर हुआ, तो इस प्लस 2 एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे उतार देंगे। बात समझे, पहले लगा लिए इसके पावर से, ये घटा दिए, यहाँ लिख दिए, ये जो ऊपर था वही सेम चीज़ उतार दिए, उसके बाद क्या किए हैं, इसको इस पद को इस अंक को चिन्ह के साथ इससे गुणा कर दिए हैं और यहाँ लिख दिए, मान इसको इससे गुणा करके कहाँ लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है, समझ गए, इसको और इसको गुणा करके कहाँ लिख देना है, यहाँ लिख देना है। अब देखिए इसके बाद और कोई पद रहता तो उसको भी हम इससे गुणा करके इससे आगे लिख देते, लेकिन ऐसा बात तो है नहीं, तो हम क्या करने, अब घेर देंगे, भाग आप देते हैं तो क्या करते हैं, 2 चौका 8 लगाने के बाद क्या करते हैं, घेर देते हैं और घटाते हैं, घटाते हैं कि नहीं, घटाते हैं ना, तो यहाँ भी तो वही काम करना है, भाग का जो नियम होता है वही करना है, ऐसे घेर देंगे और घटाएंगे, तो घटाने के क्रम में क्या होता है, जो नीचे वाले पद का चिन्ह है वो बदल जाता है, इसका चिन्ह प्लस है छिपा हुआ तो माइनस हो जाएगा, इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा। बात समझ गए, इतना ही समझना है भाग में, इतना ही समझना और कुछ है ही नहीं। अब उसका पहला पद कटेगा ही, 100% कटेगा, पहला पद कटेगा, उसके बाद थोड़ा और इसमें देखिए, उसके बाद क्या करते हैं, क्या करते हैं हम यहाँ पे घटाएंगे, देखिए 4 में से 2 घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं, नहीं बउआ, बहुपद का जोड़ घटाओ आना चाहिए, नहीं आया तो फिर दिक्कत हो जाए, बहुपद का जोड़ घटाओ क्या होता है, समान जाति वाले को जोड़ते हैं या घटाते हैं, बहुपद के जोड़ घटाव में समान जाति वाले का जोड़ घटाव होता है, तो यहाँ देख रहे हैं सबसे अधिक घात क्या है, सबसे अधिक पावर 2 वाला है, उसके बाद पावर 1 वाला है, उसके बाद चार पद है, अब पावर 2 वाला अकेले है, ये कोई और रहता ना यहाँ पे, देखिए इसका तो काम हो चुका था, बच गया था 4x2 और ये बच गया था, इस तीनों में अगर x पर पावर 2 वाला और कोई रहता तो उसके साथ जोड़ घटाव कर लेते,
लेकिन यहाँ तो है नहीं, यहाँ नहीं है तो ये अकेले उतर जाएगा। इस चेन का वैल्यू ना है, अब ई माइनस में हो गया दू, तो माइनस में दू लिख देंगे एक्स स्क्वायर, और उसके बाद दू पावर से कम क्या होता है पावर एक वाला, तो इसको प्लस में चार एक्स, और उसके बाद प्लस में दू, हो गया हो गया। अब आगे बढ़ेंगे जिस प्रकार से, देखिए यहाँ प्लस था ना तो नहीं दिए कोई चिन्ह, क्योंकि प्लस तो नहीं देते हैं फिर भी चल रही, लेकिन यहाँ माइनस है बउआ, यहाँ माइनस है तो इसका चिन्ह, इसका और इसका काम किए थे ना, इसका इसका काम, अब क्या करेंगे इसका और इसका काम करेंगे अगला स्टेप में, इसका और इसका काम करेंगे, तो इसका प्लस है इसका माइनस है, तो प्लस आ माइनस, माइनस हुआ तो माइनस दे देंगे, दे दिए। यहाँ दो है तो दो दे देंगे, जितना रहेगा उतना दे दीजिए, यहाँ दो है, यहाँ दो है तो यहाँ दो दे दिए। देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह था, यहाँ माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस हो गया, और दो था दो दे दिए। अब पावर को घटाइए, एक्स पर पावर यहाँ दो है, यहाँ एक्स पर पावर एक है, तो पावर घट के दो में से एक पावर जाएगा, तो एक्स पर पावर कितने बचेगा, एक बचेगा, तो यहाँ लिख दीजिए एक्स पर पावर एक, लगा लिए। यहाँ पे अंक नहीं था बउआ, इसीलिए यहाँ ये अंक नहीं दिए, यहाँ दू है तो दू दे देंगे, समझे, क्योंकि एक के पहाड़ा में दू मर्तबे होता है। आप पावर वाला तो काम वही करना है, घटाना है, एक्स का पावर है चाहे वाई का पावर है, पावर तो घटाएंगे ही, मान यहाँ के पावर से यहाँ का पावर घटाएंगे, इस पावर दू में से इस पावर एक गया, एक बचा, हो गया, लग गया, अब तो कोई काम नहीं, ऊपर जो है वही उतार दीजिए, उतार दिए। उसके बाद जब हम इस दोनों को गुणा करके यहाँ लिखे थे, तो इसको और इसको गुणा करके हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं, लिखे थे इसको, इसको गुणा करके यहाँ आप लिखे थे, तो इसको और इसको गुणा करके यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि इसके साथ हुआ है ये काम, तो अब लिख दीजिए दू को माइन, माने दू को प्लस दू को गुणा करना है किससे, माइनस दू एक्स से, तो बउआ माइनस आ प्लस माइनस माइनस होता है, आ दू दूना चार एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस में चार एक्स, लिख दिए। अब उसके बाद लगाने के बाद क्या करते हैं, घेरते हैं, और नीचे वाले का चिन्ह बदलता है, ये माइनस में है तब प्लस में हो गया, माने ये अब चिन्ह का वैल्यू नहीं है माइनस का, अभी प्लस हो गया, ये भी चिन्ह माइनस में था तो इसका वैल्यू अब नहीं है, प्लस में हो गया, मान यो चार प्लस में हो गया, यो दो प्लस में हो गया। अब ये पहला पद तो कटेगा ही, पहला कटता ही है क्योंकि सेम में रहता है, प्लस माइनस में हो जाता है। अब उसके बाद क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे ई है चार एक्स, माने एक्स पर पावर एक वाला है, यो एक्स पर पावर एक वाला है, आ ई तो बिना एक्स वाला है, तो एक्स पर पावर दो का तो इनमें बातें नहीं है, तो दो का तो छोड़िए, एक्स पर पावर एक यहाँ भी, एक्स पर पावर एक यहाँ भी, आ दोनों है समान जाति, एक्से वाला दोनों है, तो इस दोनों को जोड़ घटाव कैला नहीं कर सकते हैं, जाति एक रंग है तो कैला ने हम एक जगह रखेंगे, रख सकते हैं कि नहीं, तो चार और चार जोड़ देंगे, कैला जोड़ेंगे क्योंकि ये भी जोड़ में ये भी जोड़ में, तो जोड़ेंगे तो चार चार आठ, जब दोनों जोड़ जोड़ जुड़ता है तो जोड़े में होता है आठ, एक्स वाला है, आई प्लस दू उतार दे, हो गया। अब आगे बढ़ेंगे फिर से लगाने वाला काम, देखिए पहला स्टेप लगाए थे, उसके बाद काम किया करके यहाँ आया, फिर से लगाए थे, फिर से काम करके आया, अब फिर से लगाएंगे, यहाँ पे पावर एक है, यहाँ भी पावर एक है, तो कहिया सॉरी कहिया तक लगवाते रहेंगे, कहिया तक लगाते रहेंगे, तब बउआ जब तक इसके पावर से कम नहीं हो जाए, यहाँ पे पावर इसका पावर एक है ना, अगर इसका पावर भी एक से कम हो जाएगा तब छोड़ देंगे, समझे। तो यहाँ देखिए अब यहाँ पे कीजिए, ये प्लस है इसका भी प्लस है, तो प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस तो प्लस यहाँ लिख देंगे, और देखिए आठ है तो आठ मर्तबे, दो था दो मर्तबे, आठ था आठ मर्तबे, अब एक्स पर पावर एक, यहाँ भी एक्स पर पावर एक, एक्स पर पावर एक में से एक गया तो क्या जीरो हो गया, एक्स पर पावर जीरो एक के बराबर हो जाता है, जीरो हो गया तो छोड़ दीजिए, एक्स को नहीं लिखिए, अब हो गया। अब यहाँ प्लस आठ एक्स है तो प्लस आठ एक्स उतार देंगे, पावर एक देने का जरूरत नहीं है, नहीं देंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात समझिए, इसको इससे गुना किए यहाँ उतारे, इसको इससे गुना किए यहाँ उतारेंगे, तो इसको इससे गुना करके कैला नहीं हम इसमें उतार लेंगे,
उतार सकते हैं कि नहीं। तो 2 को 8 से गुना करेंगे प्लस 2 को प्लस 8 से गुना करेंगे तो प्लस में 16। तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस में 16, घेरेंगे। ये प्लस का चिन्ह है तो माइनस, ये प्लस का चिन्ह है तो माइनस, कट गया, पहला कटता ही है। अब 2 प्लस में है बिना एक्स वाला, 16 माइनस में है। देखिए 16 माइनस में हो गया बउआ, 2 प्लस में या 16 माइनस में, माने 2 रुपया धन, 2 रुपया हमारा पास धन है आ 16 रुपया माइनस मतलब कर्जा है। तो 2 रुपया धन है आ 16 रुपया कर्जा, तो कर्जा 2 रुपया सधा दिए, बच गया 14 रुपया, कर्जे ना बचा। 16 रुपया कर्जा था, 2 रुपया धन कमा के लाए, तो 2 रुपया सधा दिए, 14 रुपया कर्जा बचा। मतलब कर्जा, कर्जा माने माइनस, माइनस में हमको आ गया 14। अब देखिए एक्स पावर 1, एक्स वाला है ही नहीं यहाँ, तो यहाँ पर ये हो गया शेष, यहाँ पर भाग खत्म हो गया। तो इस प्रकार से भाग बनता है, बस यही स्टेप है, बस पहला बात देखना है। एक और देखिए क्लियर होगा, कहें आप लास्ट तक देखते रहिए, अगर भाग समझ में नहीं आया तो फिर देखिए इसमें बहुत हर टाइप के माने भाग हैं। तो आप ये देख लिया कि ये समझ गया, वीडियो छोड़ के चले गए, तो बहुत आपके हानि होगा। आप लास्ट तक देखिए ना, उसी प्रकार से अगर लास्ट तक आप देखिए ना, उसके बाद ही आप किसी भी प्रकार का भाग बना सकते हैं। नौवां के रहे चाहे दसवां के, चाहे आठवां के, आठवां में भी है या सातवां में, चाहे नौवां में, किसी भी क्लास का भाग रहे आप बना लीजिएगा, बशर्ते लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि लास्ट में भी ऐसा ऐसा सवाल बताएंगे। देखिए कुछ बदला हुआ बात सब है, ये सब है, तो ये सब देखिए तीन तीन पद है, तो ये सब बताएंगे लास्ट में, इसीलिए आप इत्मीनान से देखते रहिए। हो गया ये समझ, एक और देखते हैं क्लियर होने के लिए, एक और देखिए, बस अर्थ बस आप ध्यान से देखते रहिए। हो गया अब देखिए एक और भाग देखते हैं। देखिए एक्स वाई जेड कुछ भी रह सकता है, एक्स वाला रहे, वाई वाला, जेड वाला, टी वाला, ये वाला देखते हैं। तो इसमें देना है भाग, इससे छोट पावर वाला क्या है, एक्स माइनस 2, और बड़ पावर वाला एक्स 4, एक्स पावर 3 माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। हो गया अब देखिए लगाइए पहला पद, देखिए इसका पहला x है, इसका पहला 4x की है, तो 4 है ना, तो आँख बंद करके 4 मरतबे लगा दीजिए, लगा दिए। x पर पावर 3 है, x पर पावर 1 है, पावर घटा के कितने होगा, x पर पावर 2 होगा। तो आराम से यहाँ पे लिख देंगे x पर पावर 2, कोई दिक्कत भैया, 4 था 4 मरतबे लगा दिए, x पर पावर यहाँ 1 था, x पर पावर 3, तो पावर घटा के लगा दिए, लगा दिए। लगाने आ गया ना तो आपका भाग आ गया, कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है, बस लगाना ही पड़ता है इसमें। अब क्या करेंगे, अब क्या बताए थे, यहाँ जो है वही यहाँ पे उतार दीजिए, बस उतार दिया। लगाने के बाद जो पहला पद ऊपर है वही उतार दीजिए नीचे। उसके बाद क्या किए थे, इसको इससे गुना करके यहाँ उतारे थे कि नहीं, उतारे थे कि नहीं याद कीजिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस 2 को गुना कर लेंगे किससे, 4x स्क्वायर से। तो देखिए माइनस ही है, इसका तो प्लस है ना बउआ, कुछ चिन्ह रहता था प्लस, माइनस प्लस माइनस, 2 चौका 8 x स्क्वायर। यही बात यहाँ पे उतार देंगे, इसको गुना करके कहाँ उतार देना, यहाँ पे माइनस में 8x स्क्वायर उतार दिए, घेर देंगे। अब नीचे वाला का चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस, दे दिए। चिन्ह कैसे बदलता है जान गए ना, चिन्ह बदलने आना चाहिए। जो नीचे का चिन्ह है देखिए, इसका प्लस तो छिपा हुआ है ना, तो प्लस किस में बदल जाएगा, माइनस में, माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस। हो गया अब पहला पद कट गया, कट गया। अब उसके बाद करना क्या है, ये तो कट गया, अब बच गया ये 3 गुआ ये बच गया। इसमें सबसे ज़्यादा पावर पहले खोजिए, 2 सबसे ज़्यादा पावर 2 है। अब 2 पावर अधिक है सबसे ज़्यादा, तो उसके जैसा 2 पावर वाला कई गो हैं, तो एगो हियाँ है, एगो हियाँ है, आप ना है ना कि नहीं हो, कहीं नहीं है। तो इस दोनों को हम जोड़ घटाव कर सकते हैं, इस 3 को, 3 आई जाती है एक्स स्क्वायर, आई 8 माने ये दोनों सेम जाति, एक रंग के जाति का है, तो 3 को 8 को जोड़ घटाव कर सकते हैं क्योंकि समान जाति का है, एक्स स्क्वायर वाला पावर 2 वाला है। तब बउआ अब सोचिए 3 और 8 जुटेगा कि घटेगा, जोड़े घटाव होता है तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तब बउआ 3 माइनस में, तो मतलब 3 रुपया कर्जा, माइनस के मतलब कर्जा, आ
8 प्लस में है, माने 8 रुपया धन, 3 रुपया कर्जा था, 3 रुपया केकरो से उधार लिए थे, 8 रुपया धन आ गया, प्लस के मतलब धन, तो 8 रुपया धन आ गया, तो 3 रुपया कर्जा सधा दी, बच गया 5 रुपया धन, बचा कि नहीं, धन के मतलब प्लस नहीं हुआ, तो हम प्लस में 5 आई जाती तो देवे करेंगे एक्स स्क्वायर लिख देंगे, तो अई दोनों के काम निपटा दिए। अब बचा अलग प्लस में 2x और ई माइनस में 4 कर दिए, हो गया। फिर से वही लगाने वाला काम, उतारने का फिर से लगाने वाला काम, तब बउआ इसका प्लस 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 5 है, 5 मरतबे x पावर 2 है, यहाँ x पावर 1 है, तो पावर घट के कितने हो जाएगा, x पावर 1 मरतबे, x पावर 1 मरतबे, हो गया, लग गया, लगा लिए। अब लगाने के बाद जो ऊपर है उसी को उतार देंगे, उतार दिए। अब उतारने के बाद इसको मन एकरा में लगाए थे तो एकरा साथे उतारे थे, गुना इसको आ इसको गुना करके, अब इसमें लगाए हैं 5 से तो इसको गुना करेंगे इस या अजमा उतारेंगे, तब 2 को 5 से गुना करेंगे तो अजमा उतारेंगे, तो माइनस 2 को गुना करना है प्लस 5 से, तो माइनस माइनस 2 माइनस प्लस माइनस 2 पंचे 10 आ एक्स तो है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस 10 एक्स, देखिए ये प्लस में तो माइनस, ये माइनस में तो प्लस, कट गया पहला, कटेगा ही कटेगा ही। अब यहाँ पे देखिए एक्स पावर है, ये एक्स वाला है आ एगो बिना एक्स वाला, दू को देखिए एक रंग जाति के है, यो एक्स वाला यो एक्स वाला एक रंग के जाति है कि नहीं, तो जब वो दोनों एक रंग के जाती है तो एकरा दोनों के काम कर सकते हैं जोड़ के चाहे घटाओ के, तो यहाँ पे जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तब बउआ 2 रुपया धन, 10 रुपया धन की कर्जा है, 10 रुपया धने है, एकर वैल्यू नहीं रहता है, अब एकर वैल्यू आ गया 10, 10 रुपया धन, 2 रुपया धन आ 10 रुपया धन, तो धन 2 रुपया माने धन आ गया, 10 रुपया धन है तो 12 रुपया धने ना हुआ, तो धन के मतलब प्लस में 12x दे देंगे, ये जाति देंगे, आइए माइनस 4 उतार देंगे। अब देखिए फिर से यहाँ भी x पावर है, यहाँ भी x पावर है, एक पावर है तो लगा सकते हैं, समझे, तो फिर से 12 आ गया, देखिए प्लस इसका है आ इसका प्लस, तो प्लस 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 अब 12 मरता है, एक्स कहिया सर जी एक्स कैला नहीं दिली, एक्स क्यों नहीं दिए, तो एक्स कैसे देंगे बुआ, एक्स पर पावर एक यहाँ है, एक्स पावर एक यहाँ है, माने एक में से एक घट गया जीरो हो गया, तो एक्स हम क्यों दें, जीरो आ जाएगा तो नहीं देंगे, लग गया कोई दिक्कत, चलिए अब यहाँ पे प्लस 12x है, तो प्लस 12x आ इस 12 को किससे गुना करना है, इससे कहाँ उतारना है, यहाँ पे इसको देखिए हम उंगली पर ध्यान दीजिए, इसको इससे गुना किए, देखिए इसको इससे गुना कीजिए, देखिए दोनों हमारे हाथ देखिए, इसको इससे तो यहाँ उतार दिए, इसको इससे गुना किए तो यहाँ उतार दिए, इसको मिटाइएगा, इसको इससे गुना करेंगे तो यहाँ उतार दिए, करना है इसी से गुना, समझ गए ना, तो माइनस 2 को प्लस 12 से, माइनस 2 को प्लस 12 से गुना कीजिए तो माइनस में 24, माइनस प्लस माइनस 24, तो माइनस में 24, अब घेर देंगे, ये प्लस है तो माइनस में, माइनस में प्लस में कट जाएगा, माइनस 4, 4 रुपया कर्जा और 24 रुपया धन, 4 रुपया कर्जा था 24 रुपया धन आ गया, 4 रुपया फट से सधा दिए, सधा दिए 20 रुपया, तो ये धन बेच गया, यही हो गया शेष, बस हो गया, यही है भाग, यही भाग है, कुछ नहीं है भाई, भाग में कुछ नहीं है, एक और देखते हैं, चलिए इसको एक और देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, भाग नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता है भाई, आप देखते जाइए ना कि भाग कैसे मिटा, एक और देख लेते हैं हम, अब देखिए एक सवाल ये वाला, अब यहाँ देखिए आपके पास ये बात है, देखते जाइए, देखिए आप एक तो वीडियो देख करके कहिएगा कि समझ गया, आप ख़त्म करते हैं वीडियो, कट करते हैं बउआ, आप बहुत गलती कीजिए, तो फिर आपको भाग अच्छा से नहीं समझ में आएगा, हम कहें ना हर टाइप के भाग बताएंगे, हर टाइप के आप देखते जाइए। अब ये सवाल देखिए इसमें इससे भाग दीजिए, इसमें
अरे मेरे को खचरौई देखे देख रहे हैं क्या खचरौई करके दिया है। ये एक माइनस एक्स दे दिया है और यहाँ दे दिया है 3x² माइनस 4x³ माइनस 4+3 एना दे दिया है। ये खचरौई करके दिया है, एना नहीं रहना चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए। इसको पहले सजाना पड़ेगा, इसको पहले सजाना पड़ेगा, उसके बाद इसमें काम होगा। इसको पहले बढ़िया से मेकअप वेकअप करके इसको सजा देंगे, समझे। तो इसको सजा देते हैं। सजाने के लिए क्या करते हैं कि कभी भी घात घटते क्रम में होना चाहिए, ज़्यादा पावर से कम पावर के रूप में, तब सज्जल रहता है। और होना नहीं है ना, अगर नहीं है, जैसे यहाँ पे घटते कर देखिए 2 है, फिर 3 है, फिर बिना एक्स वाला, फिर फेंट फाट के दिले हैं, तो पहले इसको सजाना होगा। तो पहले सजा लीजिएगा, उसके बाद कोई काम किया तो पहले सजा लीजिए। सजाएंगे तो क्या करेंगे, इसको सजाइएगा तो पहले एक्स होगा माइनस में, बोगा माइनस में एक्स, माइनस में एक्स और प्लस एक्स, तो यहाँ लिख दीजिए माइनस एक्स प्लस एक। और इसको सजाइएगा तो पावर ई पहले अधिक पावर वाला जा पहले, उसके बाद ये वाला प्लस में है 3x², और उसका प्लस में 3x और तब माइनस। अब सज गया, आप भाग देंगे, अब देंगे इसमें भाग, ये वैसे भाग नहीं देंगे। चलिए देखते हैं आगे, देखते जाइए बुआ, आप एकदम इत्मीनान से, थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन आज आपको समझा देना है भाग किसी प्रकार से। चलिए अब देखिए, यहाँ है 4, हम बोले थे 4 मरते लगा देना है, यहाँ प्लस था ना तो नहीं सोचना पड़ता था, माइनस दे दिया, एक हिंगू ऐसे लगा दिया, एक और में माइनस दे दिया तो सोचना पड़ेगा, यहाँ माइनस दे दिया तो झंझट सोचना पड़ेगा, नहीं था तब नहीं सोचना पड़ता था। तो इस माइनस को इस माइनस से गुणा कीजिए क्या होगा, प्लस। तब देखिए यहाँ पे माइनस को अगर माइनस से गुणा कीजिए प्लस, प्लस को प्लस से तो प्लस, माइनस को प्लस से तो माइनस, अब प्लस को माइनस से तो माइनस। तो ये माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, 4 है 4 दे दीजिए, 1x³ है, यहाँ 1x² है, 1x² दे दीजिए, पावर घटा के जो काम था ऊपर जो है वही उतार दीजिए। आ उसके बाद आइए, उतार दिए लगा, यहाँ लगा लिए, लगाने के बाद यहाँ जो ऊपर था उतार दिया। उसके बाद देखिए इसको, मेरा अंगूठा देखिए, इसको इससे गुना करके यहाँ उतार दीजिए, यही काम है। प्लस 1 को प्लस 4x² से गुना कर लीजिए तो प्लस 4 × 4x² और यहाँ उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये इसका माइनस में तो प्लस, ये प्लस में माइनस, ये तो पहला कटेगा, हम बोलते हैं। अब देखिए सर, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, इस सब में अधिक पावर 2, पावर 2 वाला है सबसे ज़्यादा, तो उसको पावर 2 वाला 2 गो है, इस दोनों को जोड़ घटाव कर सकते हैं, हालांकि समान जाती है। तब 3 रुपया धन में और 4 रुपया कर्जा में, 3 रुपया धन है हमारा पास और 4 रुपया कर्जा हो गया, तो ये सधावे के बाद 1 रुपया कर्जा बचेगा कि नहीं, तो कर्जा मतलब माइनस में 1 रुपया बच गया, ये जाती दे देंगे, प्लस क्या हो जाएगा 3x उतार देंगे, 4 माइनस में हो गया। फिर से लगाने वाला काम, माइनस आ ई माइनस तो प्लस, 1 है तो 1 मरतबे, 1x² है 1x², तो 1x² मरतबे, यहाँ जो है वही उतार दीजिए। उसके बाद इस प्लस 1 को इस प्लस 1 से गुना कीजिएगा तो प्लस, प्लस 1 को गुना किया प्लस 1x से तो प्लस 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 1x, मैंने प्लस 1x, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, कट गया। अब देखिए यो x वाला, यो x वाला एक रंग के जाती, इसको जोड़ घटाव कर सकते हैं, 3 रुपया जोड़ में धन, 1 रुपया कर जाते, यो सधावे के बाद 2 रुपया धन बचेगा और माइनस 4 हुआ कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 2 है तो 2 मरतबे, 1x² यहाँ भी, 1x² यहाँ भी, घट के 0 हो गया, छोड़ देंगे। अब यहाँ पे लग गया माइनस 2 मरतबे प्लस 2x, इस प्लस 1 को माइनस 2 से गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे माइनस 2, माइनस ये प्लस कट गया, अब माइनस 4 रुपया कर्जा, 2 रुपया धन, 2 रुपया कर्जा बच गया, हुआ कि नहीं, कोई दिक्कत हो रहा है, समझ रहे हैं, मन से एकदम अच्छा से मजा आया, समझते रहे, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हो गया, इसको आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करने का इच्छा होता है, नोट करते जाइएगा। अब आगे देखते हैं,
देख रहे कैसे सजा सजा के देना है। अब उसके बाद एक सवाल हम आपको देख लेते हैं यहाँ पे, एक ये वाला, ये y माइनस एक से y पर पावर 4 माइनस एक में। अब देखिए यहाँ अंक नहीं, यहाँ अंक नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, पावर का कीजिए काम, y पर पावर 4, y पर एक घट के कितने हुआ, y पर पावर 3, ऊपर जो है वही उतार दीजिए। अब यहाँ उतारने के लिए किसको गुना, माइनस एक को किस से, इससे, माइनस एक को गुना करना है y पर पावर 3 से, तो माइनस एक को y से गुना, इतना ही ना होगा, तो माइनस वाई पर पावर 3, एक भी दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, नहीं हो दीजिए कोई दिक्कत, ये प्लस में तो है पहले से, तो माइनस ये प्लस कट। अब देखिए वाई पर पावर 3 और 1 ये दोनों अलग अलग जाती है, नहीं जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, अकेले उतारेंगे, अकेले उतारेंगे तो पहले एक ई वाला उतारेंगे, पहले ई वाला, तब वह सजा के उतारना है, पहले पावर वाला पावर 3 वाला उतारेंगे, तब प्लस में एक वाई पर पावर 3 आई माइनस में एक उतार हो गया। अब उसके बाद देखिए इसका प्लस, इसका प्लस, तो प्लस है तो प्लस से दे दीजिए, वाई पर पावर 3, वाई पर पावर 1 घट के क्या होगा वाई पर पावर 2, यहाँ जो है वही उतार दीजिए। अब इस माइनस एक को गुना करना है किससे, इससे, इससे तो कर लिए थे तो यहाँ उतार लिए, अब माइनस एक को इससे गुना करेंगे तो माइनस एक वाई स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, कट गया ये पहला कट जाता है। अब इस दोनों को जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं, इसको क्या करें अलग अलग उतारेंगे, तो प्लस में एक दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक, इसका प्लस, इसका प्लस, प्लस और वाई पर पावर एक है तो दे दीजिए, एक कोई दिक्कत नहीं, एक वाई नहीं देते, अब वाई स्क्वायर है यहाँ वाई है तो वाई पर पावर एक बचा कि नहीं, यहाँ प्लस एक वाई स्क्वायर उतार देंगे, अब माइनस, सॉरी माइनस दे दीजिए, इस माइनस एक को इस एक वाई से गुना करेंगे तो एक वाई मरतबे माइनस प्लस, फिर से इसको अलग उतारेंगे, नहीं जोड़ घटाव कर सकते हैं, तब प्लस अब प्लस प्लस, और देखिए एक है तो एक मरतबे आई वाई पर पावर एक, वाई पर पावर एक घट के जीरो हो गया, तो उसको छाँट दिए, प्लस एक वाई और प्लस और माइनस, माइनस एक, एक को एक से गुना कीजिएगा, ये माइनस प्लस ये कट गया, और एक रुपया कर जाए, एक रुपया धन सधा दिए तो पूरा बराबर हो गया, इस प्रकार से आपको हो जाता है भाग। एक और देखते हैं, चलिए इसको मिटा देते हैं, इसी प्रकार से सारा सवाल आपको बन जाए, भाग कुछ नहीं बाबू, इतना ही भाग है, भाग में और कुछ चीज़ है नहीं। एक ये सवाल देखते हैं, ये सवाल सेम है, तो हम कौन सा देख लें, ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, हमको भाग देना है किससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दो से एक्स पावर 4 माइनस 2। अब देखिए लगाना एक काम कीजिए, एक्स पावर 4 एक्स पावर 2 कई मरतबे लगेगा, एक्स पावर 2 मरतबे लगेगा कि नहीं, पावर घट गया तो लगेगा कि नहीं बाबू, तो 2 मरतबे लगेगा, यहाँ जो है वही उतार देना है। अब समझिए यहाँ पे उतारने के लिए क्या करें, एक्स को एक्स स्क्वायर से गुना कीजिए, माने इस देखिए दो आ गया, माने प्लस एक्स और प्लस 2 ये दोनों आ गया, इस दोनों को गुना करना है किसे, एक्स स्क्वायर, ऐसे ये अकेला रहता था तब ना एक के अकेले गुना करके छोड़ देते थे, वैसा तो यहाँ नहीं करेंगे, अगर इसको करेंगे या इसको नहीं करेंगे तो कानने लगेगा, रोने लगेगा, तो उसको रोने से बचाना है, कहेंगे कि बउआ तोरो गुना कर देंगे, रो मत, हाँ तो इसके लिए क्या करेंगे, इस दोनों को गुना कर देंगे, पहले तो इसको करेंगे इससे, माने इसको इससे करें तो एक्स को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक पावर यहाँ, एक पावर दो, एक तो एक्स पावर 3, पावर गुना में जुड़ता है, एक्स स्क्वायर को एक्स पर पावर एक से किया, फिर दो को एक्स स्क्वायर से किया तो दो एक्स स्क्वायर, इसी बात को यहाँ उतार देंगे, एक्स पर पावर 3 और प्लस दो एक्स पावर 2, बात समझ गया, यहाँ माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, पहला तो कटवे करता है, अब देखिए है माइनस 2 3, ये तीन पद है, कोई है एक रंग जाति के, कोई नहीं एक रंग जाति के, सबके अलग अलग उतारेंगे, तो इनमें सबसे पहले कौन उतरेगा, ये वाला माइनस, देखिए माइनस चिन्ह के साथ एक्स पावर 3, अब उसके बाद ये उतरेगा दो एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2 उतरेगा, समझ रहे हैं, आगे बढ़ेंगे, फिर से ये इसका क्या है प्लस, इसका क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, एक्स पावर 2 है एक्स पावर 3 तो पावर घट के एक्स पावर 1 हो गया, लगा दिए, अब माइनस एक्स पावर 3 जो ऊपर है लिख दीजिए, अब एक्स प्लस 2 चिन्ह हम लेते हैं, वो आप भी चिन्ह नहीं भूलिएगा, इसको गुना किससे करना है, इससे माइनस एक्स,
दोनों से गुणा करना है दोनों को, तो प्लस माइनस माइनस एगो एक्स यहाँ एगो एक्स यहाँ, तो एक्स पावर दू, आ इस प्लस आ माइनस माइनस दू को एक से किए तो दू एक्स, हमारे पास क्या आ गया माइनस एक्स स्क्वायर आ माइनस दू एक्स। अब क्या करेंगे यहाँ प्लस, ये भी प्लस ये भी प्लस, कट गया चिन्ह बदल जाता है। अब माइनस ये दोनों समान जाती है कि नहीं, एक रंग के जाती है, तो उस दोनों समान जाति को जोड़ घटाव तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे दू गो एक्स स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं तो एक रहता है बुआ, एक एक्स में, तो दू गो आ एक गो, तो दो रुपया कर्जा एक रुपया धन, तो एक रुपया धन है तो सधा दिए, एक रुपया कर्जा बच गया फिर, तो माइनस में एक गो एक्स स्क्वायर जाति देंगे, इसको अकेले उतारेंगे एक्स वाला, क्योंकि अकेले है माइनस में। आगे बढ़ते हैं, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस एक है तो एक मरतब है, एक्स पावर दू यहाँ भी एक्स पावर दू घट के जीरो हो गया, माइनस एक मर इतना ही लगेगा, माइनस एक एक्स स्क्वायर उतार देना है इसको। अब एक्स प्लस दू को किससे गुना करना है, माइनस एक से, तो एक से गुना करते हैं तो उतना ही ना होता है, तो माइनस एक्स माइनस दू, ये प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, कट गया, ये दोनों समान जाती है, दू गो अजमा एगो एक्स अजमा, तो दू एक तीन एक्स धन, और यहाँ पे कट गया ये जीरो हो गया, यानी कि दो रुपया धन था दो रुपया कर्ज, तो ये जीरो हो गया, ये शेष हो। इस प्रकार से भाग होता है, भाग में और कुछ नहीं होता है बुआ, समझे, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको भाग हुए। अब इसमें जो भी सवाल बचा हुआ है उस सभी सवाल को आप अपने से बनाने की कोशिश कीजिएगा, अब भाग में दिक्कत नहीं होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से आप क्लास किए हुएगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा, भाग में अब दिक्कत नहीं होगा। इसको अगर अच्छे से इत्मीनान से आप देखे हुएगा बिना स्किप किए हुए, तो फिर आपको भाग आ गया होगा, और ये बना लीजिएगा आपके लिए। अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब जो भी आपको चैप्टर में बहुपद पाठ में शायद गणित में दसवां में, तो वो हम अब स्टार्ट करेंगे। ये सब निकालिए, भाग भाग करा दिए, गुणनखंड भी करा दिए थे अलग से, जो नवाया पढ़ना था, अब हम दसवां के चलेंगे, तो देखेंगे अगला क्लास में।